मैं जिंदा भगत, विश्व बौद्ध मिशन और पढ़ाई की लड़ाई और जो जो भी आंदोलनकारी आंदोलन होते हैं उनमें मैं तहे दिल से उनका स्वागत भी करता हूँ और उनको साथ भी देता हूँ। जितने भी मीडिया है उन लोगों का भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। हकीकत में एससी एसटी का उत्थान यहाँ के तथाकथित लोगों को देखा नहीं जा रहा है और जो उनके हक है, अधिकार है, लगातार उसको कुचला जा रहा है। और ये तो सिर्फ अधिकार ही नहीं तो जिंदे इंसानों को कुचला जा रहा है। मणिपुर में आदिवासियों को नंगा घुमाया जा रहा है, ये देश को शर्म नहीं आती है यहाँ के सियासत के लोगों को। और ये कुछ नहीं मांग रहे ये सीएसटी के लोग, ये महाराष्ट्र बैंक के लोग इतना ही मांगते हैं कि जो हमारा अधिकार है, आरक्षण का जो अधिकार है, आरक्षण का जो अधिकार है उसको सबसे पहले मेरिट के लोगों को मेरिट में लिया जाए और जो एससी एसटी के जो सताए हुए लोग हैं उनको उनका कोटे में लिया जाए ताकि उनका जो 15% आरक्षण है वो ऑटोमेटिकली 20% तक का जाएगा। आदिवासियों को 7.5% है वो 10-12% तक का जाएगा। ओबीसी जिस दिन जाग जाएगा, ओबीसी भी कभी कभी उधर लुढ़कता है कभी इधर लुढ़कता है। हम ओबीसी हमारे भाई लोग हैं, जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा ये जो ब्राह्मणवाद जो जातिवाद है वो कोलैप्स हो जाएगा। हरदम ये देश में लगातार कभी मुस्लिमों के ऊपर में हमले, कभी आदिवासी के ऊपर में हमले, कभी क्रिश्चनों के ऊपर में हमले, कभी सरदार लोगों के ऊपर में हमले, ये लगातार ये देश को दबाए रखना चाहते हैं। इसलिए ये आज़ाद भारत है उसको आज़ादी से जीने देना चाहिए। ये बाबा साहब ये महाराष्ट्र बैंक की रैली यशवंत स्टेडियम से निकल कर सोनल ऑफिस के सामने बड़ा प्रदर्शन करके वहाँ के सियासत के लोगों को, वहाँ के मैनेजमेंट के लोगों को, वहाँ के जोनल ऑफिसर को ललकारा है और बोला है, इनको धमकी दिया है कि तुम बार 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 आंदोलन करोगे तो तुमको हम नसीहत देंगे, मेमो देंगे, सस्पेंड करेंगे। लेकिन ये लोग सस्पेंड को जीने की मरने के उसके पार जाके ये सब काम करना चाहते और अपने हक और अधिकार मांगना चाहते। इनको कुछ नहीं चाहिए, अमल करें, रोस्टर के साथ में रजिस्टर अगर रहेगा तो हमारा लोगों का कितना आरक्षण भरा जा रहा है और वो कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इस ढंग के लिए हमारी डिमांड है रजिस्टर बनाया जाए ताकि एससी के कितने, एसटी के कितने और देश में ये आरक्षण होने की वजह से ये लोग सुखी संपन्न हो रहे वो जलते हैं।